सो हे माई यूट्यूब फैमिली, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माई चैनल शाइन विद मी। सो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ नो मेकअप मेकअप लुक। मैं मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। सो सॉरी, मैंने मेकअप लुक क्रिएट कर लिया। तो मैंने मेकअप लुक जो क्रिएट किया है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया। और ये जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है वो किया है सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स के साथ। तो वो 3 प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो मैंने यूज किए, तो ये तो आपको वीडियो में आगे देखने पे ही पता चलेगा। तो आप ये जो मेकअप लुक है, आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स और ऑफिस गोइंग गर्ल्स, वट एवर आप जहां जाना चाहते हो वहां पर आप ये अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखते हैं कि मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया। लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइज, हम जा रहे हैं यहाँ पे मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए। तो मेकअप लुक क्रिएट करने से पहले मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई किया और थोड़ी सी सनस्क्रीन, बिकॉज समर्स आ रहे हैं, समर्स चल रहे हैं, तो हमें वो सनस्क्रीन को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब जब मैंने एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और लिप बाम अप्लाई कर लिया है, देन हम जाएंगे मेकअप लुक क्रिएट करने। सो सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। तो आप यहाँ पे कोई भी बीबी क्रीम और कोई भी सीसी क्रीम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं, बट डेली बेसिस पे फाउंडेशन यूज करना मुझे पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। इसका जो शेड है वो है 01 ओरिजिनल। क्योंकि हम यहाँ पे कोई कंसीलर यूज नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी सी बीबी क्रीम यूज करने से ही हमें यहाँ पे काफी अच्छी कवरेज मिल गई है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, कोई भी आप लिपस्टिक ले सकते हैं, लिपस्टिक या फिर लिप ग्लॉस, आपका जो आप प्रेफर करते हो डेली बेसिस पे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक ले रही हूँ कलर्स क्वीन की प्योर मैट वाटरप्रूफ लिपस्टिक। यहाँ पे मेरे पास है पिंक शेड, शेड नंबर 41 फियोना। तो ये मेरी फेवरेट है पिंक। कलर स्किन की लिपस्टिक काफी अच्छी होती है, वाटरप्रूफ होती है और मैट होती है। अब जब हमने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया तो इसी से हम हल्का सा ब्लश लगा लेंगे। हम यहाँ पे चाहते तो हम कोई भी फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते थे, बट बिकॉज हमने बेबी क्रीम यूज की है, फाउंडेशन यूज नहीं किया, तो ये ना इतना क्रीज वगैरह नहीं आती अगर हम बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज करते हैं। अगर फाउंडेशन हम यूज कर रहे होते हैं या कंसीलर तो हमें कॉम्पैक्ट की जरूरत पड़ती है, बट बिकॉज हमने यहाँ पे बीबी क्रीम यूज की है तो विदाउट कॉम्पैक्ट भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये मैंने लिपस्टिक से ही यहाँ पे बहुत हल्का सा ब्लश लगा लिया है। और अगर आप चाहें तो अपनी आंखों को एक अच्छा सा लुक देने के लिए आप इसी से एक
हल्का सा आप अपने आईज को टिंटेड कर सकते हैं, आपकी आईज पे हल्का सा टिंट आ जाएगा। एंड देन लास्ट में हम अप्लाई करेंगे एक मस्कारा। मेरे पास है यहाँ पे मेबलिन न्यूयॉर्क का द हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस वाटरप्रूफ मस्कारा। आप चाहें तो यहाँ पर आप लाइनर भी अप्लाई कर सकते थे, बट डेली वेज में हर कोई लाइनर भी प्रेफर नहीं करता लगाना, तो मैं डेली वेज में अप्लाई करती हूँ मस्कारा क्योंकि मुझे लाइनर अच्छा नहीं लगता डेली वेज में। तो आप यहाँ पर कोई भी अपना मस्कारा यूज कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट हो, आपके पास अवेलेबल हो। मेबलिन की जितनी भी रेंज है मस्कारा की, वो सभी बहुत अच्छी हैं। एक मस्कारा आई थिंक आपके लिए 1 ईयर 2 ईयर के लिए काफी होता है, तो एक मस्कारा लें लेकिन वो अच्छा लें जो कि आपकी जो लैशेस हैं उन्हें काफी अच्छे से वॉल्यूम दे और कर्ल कर दे। अब हम इसी मस्कारे से अपनी आईब्रोज को सेट कर लेंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास आईब्रो फिल करने के लिए पेंसिल है नहीं, तो हम इसी से अपने आईब्रोज को सेट कर लेंगे। मेरी आईब्रोज काफी लाइट हैं। तो ये सिर्फ 3 प्रोडक्ट से हमारा मेकअप लुक रेडी है। तो गाइज आपने देख लिया होगा कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट अपना प्रोडक्ट यूज किया है वो है पोंड्स बीबी क्रीम, तो वो मैंने अपने हाथों से अप्लाई किया है। आप चाहें तो मेकअप स्पॉन्ज या मेकअप ब्रश का यूज कर सकते हैं, बट आई हैव नो मेकअप स्पॉन्ज बिकॉज था वो स्पॉइल हो गया, टूट गया, खराब हो गया। गरीब लोग है भाई, हाथों का जमाना है, हाथों से ही हमें अच्छे से क्रीम को एब्जॉर्ब करना चाहिए अपनी स्किन पे। और वैसे भी हाथों से जो स्किन पे क्रीम एब्जॉर्ब हो जाती है वो ब्रश वगैरह इनसे मजा नहीं आता। व्हाटएवर आपको जो पसंद हो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप मेकअप ब्रश से करो या फिर मेकअप स्पॉन्ज से करो, बट कैसे तो करो, कैसे भी आप अपनी बीबी या सीसी क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड मैंने प्रोडक्ट जो यूज किया है वो था मेरी लिपस्टिक, तो लिपस्टिक से ही मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई कर लिया, लिपस्टिक को अपने आईज पे और अपने चीक्स पे कर लिया। एंड आप चाहें तो आईज पे और लिप्स पे, वो आईज पे और चीक्स पे अप्लाई करें, आपका मन ना हो तो आप ना करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लिपस्टिक या लिप बाम, लिप ग्लोस, आपको इसमें से क्या अप्लाई करना है वो भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा थर्ड प्रोडक्ट था यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा, तो मेबलिन का मस्कारा मैंने यहाँ पे लिया था। आप चाहें तो मस्कारे की जगह पे आप लाइनर अप्लाई कर सकते हैं, काजल अप्लाई कर सकते हैं अगर आप काजल लवर हैं या फिर लाइनर लवर हैं, बट बिकॉज मुझे मस्कारा पसंद है तो इसलिए मैंने मस्कारा यहाँ पे अप्लाई किया है। और मस्कारे से क्या है ना, आप अपनी आईब्रोज को फिल भी कर सकते हैं, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट
ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो मुझे लगा कि मेरे लिए ये तीन जो प्रोडक्ट थे वो मस्ट थे। अब ये अपनी अपनी नज़रों में होता है कि आपको कौन से प्रोडक्ट आपकी नज़रों में आपके लिए बिल्कुल मस्ट हैं कि ये तो यूज़ करने ही करने हैं। तो जो भी मेरा मेकअप लुक था वो इन तीनों प्रोडक्ट के साथ मैंने क्रिएट किया था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।